नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। यूनिट 9 आपके सामने है। और यूनिट 9 शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बता दूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन वीडियोस को आप कंप्लीट ज़रूर देखा करें। मुझे लगता है कि शायद एंड रिजल्ट तक आप लोग जाते नहीं हैं। अगर वीडियो के पूरे लिंकअप्स हमारे साथ रहेंगे तो आगे की यूनिट समझने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। इसलिए ये वीडियोस कंटिन्यूसली देखें, पूरा देखें। अगर समझ नहीं आता प्लीज़ रिवाइंड करके देखें। और फिर भी अगर कोई मुझसे कमी रह जाती है या कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं या आपको लगता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं, उस पर हमने काम भी किए हैं। कुछ पर्सनल मैसेज भी कई आ रहे हैं कि अभी इसके साथ कुछ और सब्जेक्ट्स भी शुरू कर दीजिए सर। तो इसके बारे में आपसे विस्तृत रूप से सलाह लूँगा अभी। तो सबसे पहले मेरा आग्रह है कि इसीलिए मैं कम से कम एक दिन का टाइम जरूर देता हूँ एक यूनिट के बाद कि एटलीस्ट आप लोग उसको फिनिश कर लीजिए। तो पूरा वीडियो लेके उसको फिनिश कर लें करें अगर आप, और उसकी अगर हल्की सी नोटिंग कर लें तो हार्डली आधे पेज में ना आपका सारा मामला सिमट जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसे कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे आप, और ये मेरे लिए बेनिफिशियल है और आपके लिए तो बेनिफिशियल होगा। मेरे लिए बेनिफिशियल इसलिए है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ज़रूर याद रहेगा। आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि एक थॉरो प्लानिंग के साथ अगर हम चल रहे हैं तो बहुत जल्द ही ये सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा, अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, शुरू करते हैं। यूनिट 9 हमारा जो है भारत एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है। आपको पता है कि 22 पार्ट हमारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, मूलभूत जो हमारा संविधान था 22 पार्ट थे, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। और इसका पहला शेड्यूल और पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक का जिक्र है। संविधान के 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेदों में क्या दिया हुआ है इसके विषय में पढ़ेंगे। और ये पहला टॉपिक ही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य। भारत बोल लीजिए या संघ बोल लीजिए, संघ कर लेते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसके विषय में पहला आर्टिकल क्या कहता है हमारा। मैं आपको ये बताने से चलिए पहले मैं पहला आर्टिकल आपको बता दूं। हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, है ना। सब राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। और राज्य का मतलब राज्य में कौन कौन होंगे, तो राज्य में वो राज्य क्षेत्र होंगे जो ब्रिटिश भारत से हमको मिले हैं, वो तो रहेंगे रहेंगे। फिर राज्यों के वो क्षेत्र जो रियासतें मिल रही हैं, जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं, और अर्जित राज्य। अर्जित मतलब भारत अगर किसी विदेशी धरती को, विदेशी ज़मीन को भी अगर अर्जित करता है तो वो भी ऑटोमेटिकली भारतीय संघ का हिस्सा हो जाएंगे। अगर हम कोई क्षेत्र हमको नया मिलता है या हम उसे जीतते हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिकली वो यूनियन का हिस्सा हो जाएगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है मेरे संविधान का। चलिए सिंपल सा है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 हमें क्या कहते हैं। आर्टिकल 2 ध्यान से देखिए आप, संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकेगी। मतलब क्या, इस यूनियन में किस राज्य को इंक्लूड किया जाए, है ना, किस राज्य का निर्माण किया जाए, इसकी पावर किसके अंदर निहित की गई है, पार्लियामेंट के अंदर संसद को पावर दी गई है। अर्थात संसद ही विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है, मतलब उन्हें बना सकता है, निर्माण करवा सकता है, उनकी स्थापना कर सकता है, मतलब इंक्लूड कर सकता है। क्लियर हो गया, आर्टिकल 1 क्लियर हो गया, आर्टिकल 2 क्लियर हो गया, सब ठीक चल रहा है यहाँ पे। आर्टिकल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इस पे स्टार किया है और ये इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि इसके अगर आप ट्रेडमार्क लाइन पढ़ें तो संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का निर्माण कौमा राज्यों की सीमा क्षेत्र में बदलाव कौमा नाम में बदलाव आदि कर सकती है। मतलब क्या, संसद किसी भी राज्य की चाहे तो बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, किसी राज्य का नया नामकरण कर सकती है या नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। इसकी पावर किसको दी गई है, संसद को दी गई है। और ये संसद किस कैसे कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। कैसे कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। इसके लिए उसे कोई विशेष प्रावधान नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये विधेयक संसद में आने से पहले इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी मिलना जरूरी है। अर्थात राष्ट्रपति इसकी पहले मंजूरी दे देगा,
उसके बाद ही ये संसद में आ सकता है। और एक बात, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह जिस राज्य से रिलेटेड ये समस्या है, मान लीजिए एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके राज्य की सीमा में कुछ बदलाव करना है या उसमें से एक नया राज्य बनाना है, तो राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाएगी, राष्ट्रपति सलाह के लिए उस राज्य के विधानमंडल में इस विधेयक को भेजेगा, राय मांगेगा, राज्य का विधानमंडल अपनी राय देगा, लेकिन वो जो भी राय राष्ट्रपति के पास आएगी वो राष्ट्रपति के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है, वो चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने। राज्य अपना अगर व्यू नहीं भी देता है तो भी ये राष्ट्रपति की अनुमति के बाद सीधे विधानसभा और संसद में पेश हो सकता है, और उसके पश्चात अगर सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास होता है तो यह नए राज्य के निर्माण या सीमा क्षेत्र में बदलाव या जो भी नाम में बदलाव वो हो सकते हैं। तो क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो कंसर्न स्टेट से, कंसर्न स्टेट की विधानसभा से सलाह मांग सकता है। हाँ, उसकी सलाह ऑब्लिगेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आप नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के केस में क्या होता है, जम्मू कश्मीर के केस में राष्ट्रपति को विधानमंडल की बात मानना कंपल्सरी होगा, राष्ट्रपति को विधानमंडल की बात माननी पड़ेगी। इट मींस सिर्फ कश्मीर की कंडीशन को छोड़ दें तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात वो माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पूरी तरह से पार्लियामेंट नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसीलिए संविधान में, इसी तरह कई विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के जो संविधान का अगर ढांचा देखा जाए तो यूनियन डिस्ट्रक्ट कर सकती है स्टेट्स को, लेकिन स्टेट्स डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं यूनियन को, मतलब यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स का पहला उदाहरण आपको देखने को मिल गया। खैर, इसमें एक बार एक डिस्प्यूट आया, डिस्प्यूट इन द सेंस, मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था प्रीएम्बल वाले में, कि इनरी बेरुबारी केस था 1960 में, उसमें जब कूच बिहार में कुछ जगहों को लेके ऐसी समस्या आई कि भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाने की बात निश्चित हुई नेहरू और नून प्रस्ताव के तहत, तब ये विवाद उत्पन्न हो गया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या नए राज्य बना सकती है, नाम बदल सकती है, लेकिन क्या इसके अंतर्गत वो अपने किसी भी संघ का हिस्सा, संघ के राज्यों का हिस्सा किसी विदेशी ताकत को भी दे सकती है क्या? तो फिर इसमें समस्या आई कि नहीं भाई, इस केस में आया कि आर्टिकल 3 इसकी इजाजत नहीं देता कि आप अपनी इस विधि का यूज ऐसे कानून में बनाने के लिए करें जिससे हमारी प्रभुसत्ता को खतरा उत्पन्न हो जाए, अर्थात हमारी सॉवरेनिटी भंग होने का खतरा रहे। अगर आप कोई अपनी भूमि विदेश को देते हैं तो वो सॉवरेनिटी की बात आती है, इसलिए ऐसे केसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई आर्टिकल 368 के द्वारा। मतलब अगर कोई ऐसा केस जिसमें कि भूमि को विदेशी हाथों में देना होगा, उसके लिए संविधान में विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन कराया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है, उस पर अनुच्छेद 3 के तहत चर्चा नहीं हो सकती है। क्लियर आपको? तो इसी के तहत फिर 1960 में 9वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत ये नक्सल कुछ बिहार का जो कुछ एरिया था वो जाके उन लोगों को दिया गया, जो जलपाईगुड़ी का जो विवाद था। तो यहां आप लोग समझ गए, आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ चेंजेस करने का अधिकार है, लेकिन अगर जब भी बात आएगी कि कोई लैंड अगर फॉरेन बॉडीज को दिया जा रहा है, तो वो ऐसे हमेशा केसेस में आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो वो पहली बार हुआ था, 9th अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। ये जिस समय भारत आजाद हुआ, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 552 रियासतें थी, 552 टोटल प्रिंसली स्टेट सब मिला के थे, जिसमें से करीब 549 भारत में शामिल हो गई थी आसानी से। 3 का डिस्प्यूट हुआ था, बड़ी फेमस है आपको पता है, तो जूनागढ़, हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर, इन 3 रियासतों के विलय पे समस्याएं आई थी। जैसे जूनागढ़ का क्या हुआ था कि जो शासक थे वो चले गए पाकिस्तान, तो वहां पे जन्म संग्रह करा के वो भारत सरकार ने उन्हें अपने में मिला लिया,
दूसरा केस हैदराबाद का था, हैदराबाद के शासक मुस्लिम थे और जनता हिंदू थी, और इस कारण से पुलिस बल का प्रयोग करके वहाँ हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। बात आई जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर वाला इशू मैंने आपको बता दिया सारा। जम्मू कश्मीर को भारत में विलय पत्र के द्वारा, महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कराया गया। तो सब मिला के 552 रियासतें थीं, और उन 552 रियासतों से एक भारत का, एक भारतीय संघ का निर्माण हुआ। देखिए, जो ये विलय था ना, ये सब टेम्पररी था, और उस समय विलय के बावजूद भी भारत बिखरा हुआ सा महसूस करता था। और धीरे धीरे ना ये आवाज़ें उठने लग गई थी कि भाषा के आधार पे, अलग अलग आधारों पे ना राज्यों का गठन किया जाए। भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करने के लिए दक्षिण के हिस्से से आवाज़ बड़ी प्रबल होती गई, जिसकी ज़रूरत महसूस की उस समय के तत्कालीन प्रशासन ने, और उनकी मांग सुनने के लिए, क्योंकि तेलुगु भाषा के आधार पे एक नए राज्य की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इसके लिए भाषा के आधार पे राज्यों के गठन पे बात करने के लिए सबसे पहले एस के धर कमीशन बनाया गया 1948 में, जिसने दिसंबर 1948 में रिपोर्ट दी। जून, आई थिंक जून 48 में इस्टेब्लिश हुआ था, और दिसंबर में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट पे उन्होंने कहा कि भैया, कोई भी राज्य का अगर गठन किया जाए तो भाषा के आधार पे उसका गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका गठन भौगोलिक परिस्थिति और उस आर्थिक विकास के आधार पे होना चाहिए, है ना। तो धर कमीशन ने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य के गठन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब इस आधार पे नहीं होना चाहिए। किस आधार पे होना चाहिए? जियोग्राफिकल सिमिलैरिटीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस ज़्यादा इंप्रूव्ड हो जाए, उस आधार पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत तेज़ी से विरोध हुआ, जैसा कि मैंने बता रहा हूँ कि आवाज़ें बड़ी प्रबल हो रही थी। इसके बाद फिर एक और कमेटी का निर्माण कराया गया, जो कि बड़ी फेमस हुई, JVP कमेटी। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वट्टाभी सीतारामैया, और पी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस कमेटी ने भी क्या कहा, इस कमेटी ने भी सेम चीज़ कही कि भाई, भाषा के आधार पे तो ना बात बनेगी नहीं, भाषा के आधार पे हमें राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहिए। हाँ, इसकी जो समस्या है, इसकी ज़रूरतों को मतलब ध्यान देना पड़ेगा, इस पर और भी डिस्कशन की आवश्यकता है, इस बात पर उन्होंने बल दिया। लेकिन तब तक क्या था, आंदोलन मजबूती पकड़ता चला गया, और दक्षिण में इसका आंदोलन पोट्टी श्री रामल्लू जी कर रहे थे, और उन्होंने, जब उन्हें लगा कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया इसके लिए। और 56 दिन के कंटिन्यू फास्टिंग के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु होती है, और इस मृत्यु ने इस आंदोलन को आग लगा दी, मजबूती प्रदान कर दी, और बहुत तेज़ी से यह संक्रमण फैलने लग गया, जिसके कारण सरकार को मजबूरन स्थिति संभालने के लिए आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। ये क्वेश्चन खूब आए, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। खैर, क्वेश्चन ये आता है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला स्टेट कौन है इंडिया का? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। श्री रामलू के आंदोलन से 15 दिसंबर 1952 को डेथ, 56 दिन का उपवास, 1 अक्टूबर 1953 को नए स्टेट की फॉर्मेशन। देखिए, अब तो राज्य बन गया, तेलुगु भाषा के आधार पर बना था ये। इसके बाद अब सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राज्य पुनर्गठन आयोग, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट कमीशन लगा लीजिए, कि स्टेट्स की अब रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए, इसके लिए कोई हमें सुझाव दो। और इसके हेड बनाया कि किसके अंडर में बनाएगी? फजल अली जी के, फजल अली। इसके और भी मेंबर थे, जैसे हृदयनाथ कुंजरू और पनिकर जी, ये तीन लोगों की बॉडी थी जिसको हेड करते फजल अली जी। और इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फेमस हुई। और इसी रिपोर्ट के आधार पे, जो इनकी रिपोर्ट आई थी, इसी रिपोर्ट के आधार पे भारत में 16 राज्यों का गठन किया गया, और उसके साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। समझ गए? 1956 रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ
रिस्ट्रक्चरिंग स्टेट कमीशन का जो आया अपना रिकमेंडेशन, उसके आधार पे हमारे सारे स्टेट्स बने। उन 16 स्टेट्स को अगर हम एक बार में रिसाइट कर लें फटाफट, तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश भी थे। केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली बना, एक मणिपुर और एक अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके पश्चात अब रास्ता खुल गया, भारत का इस तरह से राज्यों का अलग अलग निर्माण होना शुरू हो गया। 1956 में ही, जो इस समय था, फ्रांसीसी सरकार से भारत सरकार ने माहे, यनम, कारिकल वगैरह जो जगहें थी जिस जहाँ पुडुचेरी वगैरह जहाँ उनका अधिकार था, उनसे ले लिया और इसको भारत में मिला लिया। 1961 में पुर्तगालियों से भारत ने दमन, दीव और गोवा ले लिया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह, फिर 5 मिनट लगेगा, कि किस तरह और बाकी स्टेट धड़ाक से बन गए और अंत में हमारा तेलंगाना राज्य 2 साल पहले, जो हम जानते हैं, 14 में, सॉरी, 3 साल पहले बन के तैयार हुआ। तो ये था हमारा आर्टिकल 1, 2, 3, 4 कि क्या क्या इसमें मेन क्लॉज थे। देखिए, सारे आर्टिकल हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो करने की जरूरत है। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्टिकल 3 होगा। ठीक है, आर्टिकल 4 मैंने लिखा नहीं, आर्टिकल 4 सिर्फ ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे, वो है ना, उसको ये ना माना जाए कि ये आर्टिकल 368 के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट्स कहाँ आते हैं। आज़ादी के समय जब राज्य बने तो 552 रियासतें थी, जिनके आधार पर ही 4 चरणों में, 4 कैटेगरीज में स्टेट्स का निर्माण हुआ। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, जिसमें से कि 549 तो सीधे सीधे विलय हो गई थी, 3 की समस्या थी जो बता दिया मैंने आपको, और वो सारी विलय हो गई। और फिर सारे विलय के बाद अलग 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 4 कैटेगरीज में, एक कैटेगरी एक में 216 रियासतों को मिलाया गया, कैटेगरी बी में 261 समथिंग रियासतों को मिलाया गया, फिर लास्ट में 60s odd रियासतों को मिलाया गया और लास्ट कैटेगरी में अंडमान निकोबार को मिलाया गया। खैर, वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग इसकी नोटिंग तैयार कर लीजिए, फिर फटाफट हम अगली क्लास में मिलते हैं। और थोड़ा सा जो स्टेट्स की कुछ सीधे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस इन द सेंस कि कौन सा स्टेट कब हुआ, वन लाइनर आता है, वो कर लेंगे और सिटीजनशिप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।